मिनी व्लॉग में आप सबको स्वागत है। और हम आ गए हैं आप लोग को नया जगह दिख आ गए हैं मामी लोग का घर। तो आपको क्या क्या करेंगे, अभी दो दिन रहेंगे यहाँ पे, तो जो भी करेंगे आप लोग को दिखेंगे, तो बने रहिए व्लॉग में। Hey guys, अभी हम छत के ऊपर आ गए हैं, थोड़ा थोड़ा बारिश हो रहा है, तो आप लोग को दिखा दे पूरा यहाँ का छत से कुछ ऐसे नज़ारा दिखता है, आप लोग देख लो। पहले यहाँ पर कुछ भी घर नहीं था, अभी तो घर बना लिए हैं सब तरफ, पूरा जितना भी दिख रहे हैं ना सब खाली था, तो सब तरफ मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा है, देख सकते हो सब तरफ हरा भरा, और थोड़ा थोड़ा बारिश भी आ रही थी तो मज़ा लग रहा है। और छत के ऊपर यहाँ से ना नज़ारा बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। हे गाइस, आप लोग देख सकते हैं अभी हम लोग किचन रूम पे हैं और सुबह का ब्रेकफास्ट हो गया, अभी दोपहर के लिए खाना बन रहा है। यहाँ पर चावल लगा दिए हैं और एलिना अभी दाल बना रही है। तो क्या बनेंगे फिर, क्या बनेंगे सब्जी देखते हैं, देखते हैं क्या सब्जी बनेगा, क्या है। यहाँ पे लीना दाल चढ़ा रही है, चावल भी पक रहे हैं। और है फ्रिज में कल का, अभी कुंदरू भजा करेंगे, कुंदरू आलू काटते हैं। अभी हम दोनों काट रहे हैं, यहाँ देख सकते हैं कुंदरू, क्या बोलते हैं कुंदरू, पता नहीं आप लोग क्या बोलते हैं, हम लोग तो कुंदरू बोलते हैं, देख सकते हैं। इसका भुजिया बनेगा और दाल है, तो काट लेते हैं फिर खाने के बाद। Thank you.
देख सकते हो ये हो गया है दाल। अभी इसको बंद कर देंगे। ये जो क्रश करके रखे थे ना, जो बने थे, उसको अभी दे देना है। अभी शाम को हम छत के ऊपर आ गए और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अभी शाम को ना ऐसे छत के ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और गांव में भी अच्छा लगता है शाम को ऐसे घूमने के लिए। और इधर का नज़ारा देखो, अभी थोड़ा देर टहल के जाएंगे फिर नीचे। अभी हम लोग चिल्ली चिकन बनाने का तैयारी चल रहा है हम लोग का, इधर देख सकते हो। तो आप लोग को दिखाएंगे, आज तो वही बना रहे हैं, तो जो भी करेंगे आप लोग को दिखाएंगे, बने रहिए वीडियो में। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो चिकन को अच्छे से धोकर रखे हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे अदरक लहसुन और मिर्च को ग्राइंडिंग करेंगे, इसका पेस्ट बनाएंगे। और यहाँ चिकन में 2 अंडा डालें, क्योंकि 1 kg चिकन है। इसको अच्छे से मिलाएंगे। स्वाद अनुसार नमक डालना है। इसके बाद अभी डालेंगे कश्मीरी मिर्च, ये कलर के लिए कश्मीरी मिर्च डाल दिए। ये है ब्लैक पेपर, इसको भी अच्छे से मिक्स। पेस्ट बनता है ना वो अच्छा लगता है, और जो रेडीमेड वाला मिलता है वो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। तो हमने ग्राइंड करके मिलाया है, इसको अच्छे से मिलाएं। इसके बाद अभी डालेंगे ये है कॉर्नफ्लोर डालेंगे। इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा चावल का पाउडर डालना है, जो क्रिस्पी के लिए अच्छा लगता है, थोड़ा क्रिस्पी रहने से अच्छा लगता है, बाहर क्रिस्पी और अंदर सॉफ्ट। इसके बाद थोड़ा मैदा डाल रहे हैं, सबसे थोड़ा ज़्यादा डालना है कॉर्नफ्लोर, इसके बाद उससे कम डालना है मैदा, और उससे भी कम डालना है चावल का पाउडर। तो इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अभी यहाँ पे सोया सॉस डालें, सोया सॉस भी अच्छा है कलर के लिए। और आप लोग देख सकते हो यहाँ पे हम लोग अच्छे से मिक्स कर लिए जितना भी मिक्स करना था। इसके बाद इसको 1 घंटे के लिए रख देंगे, क्योंकि मसाला सब अच्छे से चिकन में पूरा मैरिनेट होगा। इसके बाद इसको फ्राई करेंगे।
यहाँ पे मैग्नेट हो गए, एक घंटा रखे थे। यहाँ पर तेल गरम हो रहा है, अभी डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके फ्राई करेंगे। तेल गरम होने के बाद हमने यहाँ पर अदरक और लहसुन डाले हैं छोटा छोटा कट के। इसके बाद प्याज और कैप्सिकम, इसके बाद अब लोग डालना सोया सॉस, चिली सॉस और टमाटो सॉस। ये कॉर्नफ्लोर है, इसको पानी डाल के डाला जा रहा है, पानी में मिक्स करके। ये ऑलमोस्ट पक गया है ना। आपको अगर मेरा ये चिल्ली चिकन रेसिपी अच्छा लगा तो आप लोग लाइक कर देना और कमेंट में बताना आप लोग को कैसा लगा। इसका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, हम बहुत दिन के बाद बनाए। मैंने डिनर कर लिया और अभी 8 बजने को जा रहा है, तो आज का ब्लॉग हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। सभी को बाय।